देखिए जैसे हम कथा में श्लोक कहते हैं तो सब लोगों को तो श्लोक अब समझ में आते नहीं है। तो देखिए एक जगह ऐसे भागवत चल रही थी तो एक व्यक्ति बोला एक संत से, महाराज जी ये भागवत चल रही है तो 7 दिनों हमने निष्ठा पूर्वक कथा सुनी, हमें तो एक भी श्लोक सुनने को नहीं मिला, एक भी श्लोक सुनने को नहीं मिला। तो संत बोले तुम्हें इससे क्या मतलब, भागवत होती परलोक के लिए है, उसे इस लोक से क्या मतलब। लेकिन जिन लोगों को श्लोक समझ में ना आ रहे, देखिए जैसे किसी को बिच्छू काट जाए और वो झाड़ने वालों के पास जाए, झाड़ने वाले क्या कहते हैं, तो मंत्र तो समझ में आता नहीं पर बिच्छू का जहर जरूर उतर जाता है। तो इसी प्रकार से जिन लोगों को ये श्लोक समझ में ना आवे तो ना आवे, लेकिन भगवान के भगवत श्लोकों के प्रभाव से आपके मन में जो ये जो संशय का पक्षी बैठा हुआ है ये अवश्य